एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी गार्डनर अपने गार्डन में फेस करते हैं, चाहे मैं, आप या कोई और हो, मिलीबग्स, जो एक सफ़ेद कलर का जिद्दी और चिपकू कीड़ा होता है। अगर आप उसे अपने फ्लावर या फिर प्लांट से नहीं हटाएंगे तो आपके प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे। जय माता रानी फ्रेंड, मेरे चैनल लिटिल लाइफ में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए मेरा प्लांट कितना ख़राब हो चुका है। तो मैंने मिलीबग्स को रिमूव करने के लिए क्या किया था, आज उसी का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मेरे जेड प्लांट में भी बहुत सारे मिलीबग्स लगे हुए थे, पर मैंने उसे साफ कर लिया है, रिमूव कर लिया है, और थोड़े बहुत हैं तो उसे जल्द ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं तो अगर एक प्लांट में रहेंगे तो सारे प्लांट में धीरे धीरे हो जाते हैं। और ये एक प्रकार का चिपचिपा सा जिद्दी सा कीड़ा होता है, जिससे रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये ज़्यादातर गुड़हल के पौधे में और नींबू के प्लांट में, कड़ी के प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लांट आपके घर में है और मिलीबग्स लगा है और अगर साथ में वो प्लांट भी हैं तो उसमें नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी प्लांट में ये अटैक करते हैं, लेकिन गुड़हल के पौधे में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये मेरा लिली का प्लांट है, इसमें भी मिलीबग्स अटैक किए हुए हैं, लेकिन इसमें जो खरपतवार उगे हैं उसमें अटैक हुए हैं। तो इसको तो मैं इसे रिमूव कर दूँगी, इसे उखाड़ दूँगी मैं, पर आपको दिखा रही हूँ मैं, इसमें भी एक दो में लगे हुए हैं। इसे मैं फेंक लेती हूँ, बाहर में फेंक दूँगी ताकि फिर से वापस ना आए। और उखाड़ने टाइम आपको ध्यान रखना होगा, मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर वापस उस पौधे पे चढ़ जाते हैं ये। तो ये देखिए, इसके पत्ते में भी हैं और अभी एक हैं, और धीरे धीरे ये अंडे देंगे, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। तो अभी आप रिमूव कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बहुत सारे दवाइयों का भी यूज किया है, पर जल्दी मरते नहीं हैं, इसलिए मुझे डर लगा रहता है। तो मैं मिट्टी से भी इसे उठा लेती हूँ और बाहर में जाके फेंक देती हूँ। जिस तरह मैंने दवाइयों के साथ साथ घर के बने हुए लिक्विड, जो कि प्याज लहसुन के छिलके से लिक्विड जो बनाई जाती है, उसको ट्राई किए हैं, स्प्रे किए हैं, पर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। साथ ही मैंने हैंड वॉश, डिश वॉश, डिटर्जेंट का भी यूज किया है, विनीगर, पर मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। पर मैं आपको जो बता रही हूँ वो बहुत जल्दी वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपका एक रुपये भी खर्चा नहीं होगा। आपके घर में नल है तो आप उस पौधे को वहाँ ले जाएं और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आप नल को चलाएं और सारे कीड़े को, जो भी कीड़े लगे हुए हैं वो सारे गिर जाएंगे। और फिर से उसे आप कोई भी मिट्टी के तेल वगैरह डाल के उसे मार दें और फिर आप उस पौधे को रखें, आपका बहुत जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसे इस तरह से धो रही हूँ ज़्यादा प्रेशर से, और इसके मिट्टी भी निकल जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में भी बहुत सारे कीड़े गिरे हुए होते हैं। तो मैं इसे अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद मैं इसमें फिर से मिट्टी डाल दूँगी। करके मैंने सारे पौधे धो लिए हैं और अब मैं इसे रख देती हूँ, और कुछ दिनों के बाद मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए कितने ख़राब हो गए थे ये, तो इसे मैं पिंच भी कर दूँगी ताकि ये फिर से अच्छे से ग्रो हो, थोड़े घने हो जाएं, इसलिए मैं इसे पिंच भी कर दे रही हूँ। तो अब देखिए, दो दिन हो गए हैं, दो दिन के बाद मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अब अच्छे हो गए हैं, थोड़ी हेल्दी भी लगने लगे हैं और थोड़ी जो पत्तियाँ हैं वो निकलने भी लगी हैं। तो मेरी ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर टच करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू एंड बाय।